हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। देखिए दोस्तों, अतिरिक्त वरिष्ठ व्यवस्था की बात कही जा रही थी, साथ ही साथ में EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की बात कही जा रही थी, लेकिन कुल मिला के प्रश्न ये निकल के आता है कि क्या EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर पेंशन उनकी बढ़ रही है या नहीं। आप लोग भी बहुत सारे YouTube पे आप सर्च मारेंगे EPS 95 पेंशन, तो बहुत सारी वीडियो आपको दिखाई दे जाएंगे। आज के डेट में पता नहीं कितने सारे वीडियो आपको दिखाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि YouTube चैनल पे जितने भी EPS 95 पेंशन धारकों से संबंधित अपडेट सामने निकल के आई, जिसमें बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं कि ये जो तो बिल पास हो गया, ये आज पेंशन में वृद्धि होने लगेगी, कल पेंशन में वृद्धि होने लगेगी, और इस प्रकार की जो अपडेट आप लोग देखते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। जो रियल अपडेट होता है, रियल अपडेट खुद ब खुद वायरल होता है, आप तक पहुंचता है। जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स जो बड़े हैं, वो सब आपको दिखाते हैं, सब आपको बताते हैं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर क्या क्या हुआ। जो भी पेपर कटिंग में आता है वो सब भी बताते हैं, वो सब भी दिखाते हैं। तो आप इन खबरों को देख के मेरे चैनल पे आते हैं, फिर मुझे कमेंट करते हैं कि जो तो इस प्रकार की अपडेट क्या निकल के आई है या नहीं, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि इस प्रकार की न्यूज जो तो मैं देखी, क्या ये न्यूज या जानकारी सही है या नहीं है। देखिए, वो आप उसको देख रहे हैं तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं उससे छूट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं उसको कोट नहीं करता हूँ और ना मैं बताता हूँ। जो ग्राउंड रिपोर्ट होता है ना, जो असल में EPS 95 पेंशन धारकों की जो मुद्दा होती है, जो चल रहा होता है, उन्हीं मुद्दों के ऊपर मैं बात करता हूँ और उन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ। और आप तक स्पष्ट रूप से थंबनेल पे मत जाइए, जो जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलती है स्पष्ट क्लियर रूप से आपको मैं बता देता हूँ कि कितनी और कब तक में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी और क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है, वो डायरेक्ट मैं बात करता हूँ। और आप लोग अगर मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, मेरे पास जो तो मैसेज करते हैं, तो डायरेक्टली आप लोग हमें मैसेज करें, हमको कोई एतराज नहीं। आप बात कर रहे थे मानसून सत्र के बारे में, मैं बता दिया था एक दिन का समय और है, एक दिन में पता चल जाएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से EPS 95 पेंशन धारकों को निराशा हाथ लगी है। आगे मैं आपको बता दूं कि बजट में जो बजटीय प्रावधान था, तो EPS 95 पेंशन धारक और कुछ जो तो 3 अगस्त की एक रिपोर्ट डाटा के हिसाब से सामने निकल के आया है कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो बात सामने निकल के आई है कि उनके पास में क्या पैसा है, बजट है या नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 72,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ EPFO के पास से ब्याज के पैसे आते हैं। तो EPS 95 पेंशन धारकों का EPFO पेंशन की राशि में वृद्धि भी कर देता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ब्याज के ही तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए आ जाते हैं, जिससे EPS 95 पेंशन धारकों को बड़े आराम से पेंशन की राशि दी जा सकती है। तो इस प्रकार की अपडेटें सामने निकल के आती हैं, वो सारी अपडेटें मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाता रहता हूँ। बाकी दोस्तों, आपको जो चैनल पसंद आता है आप उस चैनल को देखिए, आपको जो चैनल पसंद आता है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, लेकिन आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना के रखिएगा। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो तो निरंतर मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो आती रहती हैं, आप लोगों तक सही जानकारी, जेन्युइन जानकारी, जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग की जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो तो पहुँचा के सब्सक्राइब करें आप भी। और दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वाले।